तो अगर मैं YouTube पर जाकर सर्च करूं साइलेंट व्लॉग्स, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कई सारी वीडियोस आ जाती हैं। पहली वीडियो पर है 2 लाख व्यूज, फिर 15 लाख व्यूज, 3.6 मिलियन, एंड फिर हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे 13 लाख व्यूज, 82,000, 2.7 लाख, एंड बेसिकली साइलेंट व्लॉग्स में लाखों में व्यूज। अब ये साइलेंट व्लॉग्स होते क्या है, इन्हें बनाना कैसे है, इन पर व्यूज कैसे लाएं, ये सभी तो इस वीडियो में जानेंगे ही। वीडियो के एंड में तुम्हें एक बहुत ही तगड़ा आइडिया देने वाला हूँ जिससे लिटरली तुम मिलियंस में जा सकते हो। तो साइलेंट व्लॉग्स भी होते व्लॉग्स ही हैं, बट इनमें एक स्पेशल चीज होती है कि इनमें कोई भी वॉइस नहीं होती है। लाइक जनरली तुम व्लॉगर्स को देखते हो, मैं बात कर रहा हूँ फालतू व्लॉगर, आज मैं बात करूंगा फालतू चीजों के बारे में, लाइक ऐसे मतलब अपनी वॉइस देते हैं लोग, बट इसमें कोई वॉइस नहीं होती है। स्टिल मैं कहूंगा कि ये इंडिया के 99% ब्लॉगर से बेटर है बिना वॉइस के। कैसे? पहली चीज तो ये है कि ज्यादातर ये जो ब्लॉग्स होते हैं ये होते हैं लाइक एशियन पीपल बनाते हैं, मोस्टली जापान के हो गए, कोरिया के हो गए, एंड इस साइड के ज्यादा ब्लॉग्स होते हैं ये। एंड दूसरी चीज ये कि ऑब्वियसली इनमें वॉइस तो नहीं होती है, बट तुम फेस हो सकता है या नहीं हो सकता है, फेस का कोई ऐसा रूल नहीं है, बट वॉइस तो नहीं होती है। स्टिल इन ब्लॉग्स पर मिलियंस में व्यूज आते हैं बिना वॉइस के एंड बिना कैमरा से बात करें कैसे। तो पहली चीज साइलेंट ब्लॉग्स के बारे में जो स्पेशल है वो होती है कि काफी ज्यादा एस्थेटिक ब्लॉग्स होते हैं। तुमने कई बार देखा होगा कि अ डे इन माई लाइफ करके वीडियोज होती हैं, स्टडी विद मी, इस तरीके की लोग लाइक वीडियो बनाते हैं, बी रोल्स होते हैं, एंड इनमें वॉइस नहीं होती है बट विजुअल स्टोरी टेलिंग होती है। तुम्हें फ्रेम्स के थ्रू पता चलता है कि इंसान क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले फ्रेम ले लेगा कि उसने अपनी कॉफी बनाई, दूसरा फ्रेम होगा कि आके वो बैठा एंड कॉफी ले रहा है, कॉफी पी रहा है, फिर क्या बोलते हैं कंप्यूटर के सामने काम कर रहा है। इस तरीके से विजुअल स्टोरी टेलिंग होती है, व्यूअर्स को मजा आता है बिकॉज देखने में अच्छे लगते हैं, दूसरा लाइक एस्थेटिक होते हैं ऑब्वियसली तो देखने में मजा आता है, एंड विजुअल स्टोरी टेलिंग जो होती है ना उससे ही बिना बोले हमें सब समझ आ जाता है। एक चीज जो कि तुम ज्यादातर साइलेंट ब्लॉग्स में देखोगे वो है कि वो लोफाई या कूल टाइप के लाइक थोड़े चिल टाइप के म्यूजिक यूज करते हैं, एंड उनकी जितनी भी फुटेज होती है वो मैक्सिमम ASMR टाइप बनाने की कोशिश करते हैं वो, एंड नंबर टू वो बीट सिंक करते हैं, यानी हर बीट के साथ विजुअल्स को सिंक करते हैं। ऑब्वियसली वॉइस नहीं है तो उन्हें ये करना पड़ता है, एंड तभी उनके व्लॉग्स इंटरेस्टिंग बन पाते हैं। अब भाई साइलेंट व्लॉग्स बनाने में ना मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, नॉर्मल व्लॉगिंग में तो कुछ भी मेहनत नहीं है कंपेयर टू दिस, बट अगेन तुम अगर पैशनेट हो इस चीज के बारे में, क्योंकि करने में मजा तो आने वाला है भाई, एंड तुम्हारा रूम थोड़ा एस्थेटिक है, तो तुम ये जरूर ट्राई कर सकते हो साइलेंट ब्लॉग्स सर्च करना, देखना कि कैसे ब्लॉग्स हैं, एंड अगर तुम ये बनाने का तुम्हारा मन करता है तो तुम्हें बहुत ही तगड़ा आइडिया देता हूं। सेम चीज शॉर्ट्स में करने लग जाओ, 35 से 40 सेकंड के मिनी व्लॉग्स बनाओ। अभी इंडिया में आई डोंट थिंक कोई कर रहा है, एंड अगर तुम ये करते हो तुम्हारा चैनल बूम होना पक्का है। अब ये तो हुआ शॉर्ट का एक आइडिया, ऐसे 24 और आइडियाज लेफ्ट वाली वीडियो में मैंने बताए हैं, देखो जानो और मजे करो।